हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। देखिए भैया, जो हम आपको अभी ये बायोलॉजी के 50 एनसीईआरटी प्रश्नों की जो सीरीज आपको बता रहे थे, उसमें आज आपको हम अगली सीरीज आपको बताने जा रहे हैं, जो कि सभी जितनी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया करते हो, उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जैसे कि जीके का जो क्वेश्चन हुआ करता है जनरल नॉलेज का, उसमें क्या किया जाता है, जो आपसे बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया करते हो, उस स्थान पर बायोलॉजी को हम एज लाइक जीके की तरह पढ़ा किया करते हैं। तो उसी सीरीज को हम आप लोग बताया किया करते हैं यहाँ पे, और आप लोग इसको देखें और बढ़िया तरीके से इसे समझने का प्रयास करें। और अगर आप सब लोग चैनल्स पर नए नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए हम देर नहीं करते हैं, पहला देखिए। इसके पहले हमने क्या किया है, तीन सीरीज आपको बता रखा है, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके बताए जा चुके हैं, और ये जो जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए कह रहा हूं आप लोग इसे ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। मैंने एक मानव की कंकाल तंत्र का पूरा मैंने बताया था कि मानव की अस्थियों को गिनना कैसे सीखे, एक लेक्चर आपको बताया था, उसी से ही मैंने इस क्वेश्चन को आपको बना दिया, ताकि आप उसको पढ़े हो तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमने कितना प्रिपेयर कर रखा है। तो मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 29, फिर 24 और फिर क्या है 33। तो आपको बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, जो आपकी कलाई की अस्थियां होती हैं उसमें 8 अस्थियां होती हैं, और 24 जो होती है ये पसलियां होती हैं। 12 जोड़ी मनुष्य में क्या हुआ करती है, पसलियों की संख्या होती है, और जो 33 हुआ करती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी हुआ करती है, उस रीढ़ की हड्डी में एक कशेरुकाओं की संख्या होती है, कितनी 33 होती है। बाल्यावस्था में जो हुआ करती है ये 33 हुआ करती है, और बाद में मैंने बताया था घट करके कितनी हो जाया किया करती है, ये आपकी सॉरी 26 हो जाती है, कितनी हो जाया करती है 26। तो ये तो हो गई रीढ़ में कशेरुकाओं की संख्या, कब बाल्यावस्था में, ये क्या हो गई 12 जोड़ी पसलियां हुआ करती हैं, ये हो गई कलाई की अस्थियां जो होती हैं, और फिर इसका मतलब हमारा जो सही ऑप्शन है ये बी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे सही होगा। तो देखिए आपको मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू चार क्वेश्चन बताने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछा जाता है, कि आपको मालूम है कि मनुष्य में 206 हड्डियों का कंकाल तंत्र पाया जाता है, तो उस कंकाल तंत्र में पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो आपको मैं बता दें, जैसे टीबिया होती है, टीबिया और फिबुला जो होती है ये हमारे पैर की अस्थियां होती है, जहां से हमारा ये पैर का जान की नीचे की हड्डी जो होती है, जो घुटने के नीचे आपके दोनों, वो जान लीजिएगा ये टीबिया होती है और एक फिबुला होती है। फीमर जो होती है, जैसे छोटी अस्थि कह रहा है, तो फीमर जो होती है जो जान की हड्डी होती है उसको फीमर कहते हैं, और फीमर आपके शरीर की सबसे बड़ी हड्डी के नाम जाना जाता है। ट्रैपेज़ियम ये आपका कोई अस्थि का नाम ही नहीं है, और फिर लास्ट में क्या है स्टेपीज। तो सबसे छोटी अस्थि जो हुआ करती है वो हमारे कान में पाई जाने वाली क्या होती है स्टेपीज। मनुष्य के एक कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, दोनों कान में मिला करके 6 हड्डियां होती हैं, और कान में जो हड्डियां पाई जाती है उसका नाम मैलियस, इनकस और स्टेपीज होता है। तो स्टेपीज जो होती है ये सबसे छोटी अस्थि के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कलाई की अस्थियों को किस नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हो, जो ये हमारी कलाई होती है, इस कलाई में मैंने भी बताया क्या ऊपर कितनी हड्डियां होती हैं, 8 अस्थियां होती हैं। तो इस कलाई की अस्थियों को किस नाम जाता है, जैसे मेटाटार्सल्स, टार्सल्स, मेटाकार्पल्स और फिर ये कार्पल्स। तो कलाई कार्पल्स, कलाई का मतलब क्या समझ लीजिएगा कार्पल्स। तो जो कलाई में हड्डियां होती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, कार्पल्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो हथेली होती है इसमें जो पाई जाती है इसको मेटाकार्पस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मेटाकार्पस। यहाँ 8 हड्डियां होती हैं और ये हथेली में 5 हड्डियां होती हैं, इसलिए से आपकी हथेली बनती है, ये जान लीजिएगा। तो ये मेटाकार्पस कहलाती है। और फिर टार्सल्स जो होता है, जैसे आपके हाथ में यहाँ बन रहा है ऐसे पैर में भी होती है, तो उसको वहां पे भी इसको टार्सल्स कहते हैं। और फिर मेटाटार्सल जो पैर की आपके पूरे पावर के भाग का निर्माण करती है। तो ये यहाँ पे आप कह सकते हो कि कलाई की अस्थियों को किसके नाम जाना जाता है, कार्पल्स के नाम से जाना जाता है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। जैसा कि जानते हो कि हमारे शरीर में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और आपकी रुधिर प्लेटलेट्स होती हैं। तो जो लाल रुधिर कणिकाएं हुआ करती हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है यकृत, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, यकृत,
तो यकृत आपको मैं बता दे रहा हूं, ये भूना अवस्था में क्या करता है, रक्त का निर्माण करता है। जब व्यक्ति के शरीर में हड्डियों का निर्माण नहीं होता है तो वहां पर ये क्या हुआ करता है, यकृत और गुर्दे भ्रूण अवस्था में वृक्क का सॉरी किसमें रक्त का ये निर्माण करने का काम करते हैं। और यकृत एक प्रमुख आपका क्या होती है, पाचक ग्रंथि होती है, जो मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। दूसरा होता है हृदय, हृदय एक परिसंचरण अंग होता है, हृदय में रक्त का लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण नहीं होता, हृदय रक्त को शरीर के सभी भागों में पंप करने का काम करता है। मनुष्य के हृदय में चार चैंबर होते हैं, दयालिंद दयानिलय बायालिंद बायनिलय और अस्थि मज्जा क्या होता है इसकी बात बता दें, इसको इंग्लिश में बोन मारो कहा करती है। और इसमें ऑप्शन यही सही है कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका निर्माण कहाँ हुआ करता है, अस्थि मज्जा में हुआ करता है। जैसा कि आप जानते हो जितनी भी शरीर में पाई जाने वाली बड़ी हड्डियां होती है इन हड्डियों के बीच में क्या हुआ करता है, एक खोखला स्थान होता है और वहीं पे क्या हुआ करता है, रक्त एवं मांसपेशियों से ये बना हुआ क्या होता है, पार्ट होता है, उसी को हम लोग बोन मारो या अस्थि मज्जा कहते हैं। और इसी स्थान पर क्या हुआ करता है, वयस्क अवस्था में रक्त या आप कह सकते हो कि जो आपकी रक्त कणिकाएं हुआ करती हैं इनका क्या हुआ करता है, निर्माण हुआ करता है कहां पे, बोन मारो में हुआ करता है। कहां पर हुआ करता है भैया, बोन मारो में हुआ करता है। और अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है, अस्थि कोशिकाओं को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान समझिएगा। तो अस्थि कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स का मतलब क्या हुआ करता है कि कॉन्ड्रोसाइट्स जो हुआ करती हैं ये एक प्रकार साइट्स मींस सेल होती है, साइट्स मींस क्या होती है सेल। लिम्फोसाइट्स सब लोग जानते हो ये WBC की प्रकार होती है, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट्स, तो ये तो अस्थि कोशिकाओं को नहीं कह सकते हो। ऑस्टियोसाइट्स यहां पे यही ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा, थैम्ब्रोसाइट्स ये लिम्फोसाइट्स और ये कॉन्ड्रोसाइट्स उपास से संबंधित है और ये सब WBC से। थैम्ब्रोसाइट्स तो जान लीजिए एक प्रकार की जो रुधिर में थक्का बनाने में सहायक होती हैं, लेकिन ऑस्टियोसाइट्स जो होती है ऑस्टियोब्लास्ट जहां से हड्डियों का निर्माण होता है, हड्डियों के निर्माण करने वाली कोशिकाओं को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं, ऑस्टियोसाइट्स कहा करते हैं। तो इसमें हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आपको 5 क्वेश्चन बताने का क्या किया यहाँ पे प्रयास किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये क्वेश्चन है। और अब हम एक क्वेश्चन आपसे पूछा किया करते हैं, उस क्वेश्चन का आप सभी लोग जवाब दीजिएगा कि जो जी ऊंट होता है आप सब लोगों ने देखा होगा, कैमल जिसको कहते हो, उस ऊंट की जो गर्दन होती है ग्रीवा जिसको कहते हो उसमें कितनी अस्थियां होती हैं, ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए है। नीचे आप कमेंट कर सकते हो कि ऊंट के गर्दन में कितनी अस्थियां होती हैं, ये आपको क्या करना है भैया, हमें कमेंट करके जवाब देना है। और ये मानव कंकाल तंत्र वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसी से रिलेटिव ये क्वेश्चन था। आपको ये प्रयास हमारा कैसा लगा इसके लिए आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।